वेलकम टू टेबल ट्रीट विद सितापा। मैं बंगाली हूँ, ऑफ कोर्स मुझे फिश खाना बहुत पसंद है, पर क्या हम हमेशा फिश का करी ही बनाते हैं? नहीं, बंगालीज में बहुत सारा फिश रेसिपीज होता है। उनमें से आज हम बनाएंगे द फेमस फिश कचौड़ी। कचौड़ी के डो के लिए मैंने इक्वल अमाउंट में मैदा और गेहूं का आटा ले लिया है और उसमें आधा टीस्पून नमक डाल दिया है। और फिर नमक, आटा और मैदे को बहुत अच्छी तरह से हम पहले मिला लेंगे। फिर हम इसमें एक टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल डालेंगे मोयम के लिए और आटे को बहुत अच्छी तरह से हम मोयम कर लेंगे। फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें एक मीडियम कंसिस्टेंसी का डो बनाना है। बहुत ज़्यादा टाइट डो भी नहीं बनेगा, बहुत सॉफ्ट भी नहीं होगा। और आप चाहे तो इसमें पूरा आटा या पूरा मैदे से भी बना सकते हैं, पर आटा मैदे का ये कॉम्बिनेशन इस रेसिपी के लिए बेस्ट है। अब एक पैन में मैंने आधा लीटर करीब पानी ले लिया है और उसमें आधा टीस्पून नमक और थोड़ा सा हल्दी हमें ऐड कर देना है। फिर इसके अंदर हमें फिश के पीसेस को ऐड करना है। मैंने कतला फिश लिया है, आप कोई सा भी बड़ा फिश ले सकते हैं इस रेसिपी के लिए, चाहे वो बोनलेस हो या चाहे हो विद बोन हो। हम थोड़ी देर के लिए एक दो मिनट तक हाई हीट में फिश को बॉईल कर लेंगे। फिर हम इसको थोड़ा सा फिश को टर्न करके 5 मिनट तक इसको मीडियम हीट में बॉईल करेंगे। अब फिश को हमें ठंडा करके पहले इसका स्किन को रिमूव कर देना है और फिर हमें इस ये वाला कतला फिश में कांटा होता है तो इस फिश के हमें अच्छे से सारे कांटा निकाल के फिश को मैश कर लेना है। तो यही अगर आप बोनलेस फिश लेते हैं, जैसे सोल, सुरमई या बासा फिश लेते हैं, तो कांटा निकलने की ज़रूरत नहीं है, बस फिश को थोड़ा सा बॉईल करके इसको मैश कर लेना है। और बोनलेस फिश को हमें 5 मिनट तक बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 मिनट में वो अच्छा खासा नरम हो जाएगा। सारे पीसेस को मैश करने के बाद भी एक बार डबल चेक कर लेना है कि इसके अंदर एकाधिक कांटा रह गया है कि नहीं। फिर हम एक पैन में 2 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल या सरसों का तेल डालेंगे और उनमें 2 मीडियम प्याज को ऐसे हैंड चॉपर में बारीक चॉप कर लेना है। फिर इस चॉप्ड प्याज को एकदम हाई हीट में हमें अच्छा सा ब्राउन करके पका लेना है और फिर इसके अंदर हम 1 टेबलस्पून भर के जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे और दोनों को अच्छे से मीडियम हीट में 1 मिनट के लिए हम फ्राई कर लेंगे। अब प्याज, अदरक, लहसुन बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो जाए, उसका रॉ स्मेल बिल्कुल चला जाए, फिर हम इसके अंदर आधा टीस्पून हल्दी और स्वाद अनुसार लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे और 2 टीस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा हम पानी डालेंगे इसमें, एकदम 1 टेबलस्पून के बराबर, और ताकि जो मसाला हमारा ये पैन में चिपक जाता है वो सारा निकल आएगा और मसाला भी अच्छे से एकजुट हो जाएगा। इस तरह से मसाले को हमें 1 मिनट तक लो हीट में पका लेना है। फिर हम इसके अंदर जो मैश किया हुआ फिश है उसको हम ऐड कर देंगे और सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हम मिला लेंगे एकदम लो हीट में। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 टेबलस्पून चिकन मसाला। कोई भी फिश करी बनाए ना, उसके अंदर गरम मसाले की जगह आप थोड़ा सा चिकन मसाला डाल देंगे तो बहुत अच्छा एक टेस्ट आता है। और अगर आपके पास चिकन मसाला नहीं है तो आप 1 टीस्पून गरम मसाला इसमें ऐड कर सकते हैं।
बस हमारा जो फिलिंग है वो रेडी हो गया है। अब हम गैस को ऑफ करके इसके ऊपर हरा धनिया डाल देंगे और हरा धनिया को भी बहुत अच्छी तरह से हम मिला लेंगे और फिर इस स्टफिंग को रूम टेम्परेचर में आने तक हम रख देंगे अलग से। अब हमें नॉर्मल पेड़े बना लेना है और इस पेड़े को ऐसे हाथ की मदद से आपको थोड़ा सा फ्लैटन कर लेना है, थोड़ा पतला कर लेना है, पर बीच का जो पोर्शन है ना वो थोड़ा सा कम ही फ्लैटन कर रहे, उसको ऐसे ही रहने दे। चारों तरफ से अच्छे से पतला एक पूड़ी जैसे बन जाए, फिर इसके अंदर हमें ये स्टफिंग डाल के जैसे ही हम कचौड़ी को फोल्ड करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें कचौड़ी की तरह इसको फोल्ड कर लेना है। आप चाहे तो इसको हाथ से भी थोड़ा सा फ्लैट करके बड़ा कर सकते हैं या तो आप थोड़ा सा बेलन से भी बेल सकते हैं, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। फिर एकदम गरम तेल पे मीडियम हीट पे हमें इस कचौड़ी को फ्राई कर लेना है, अच्छे से दोनों साइड से ब्राउन हो जाए तब तक। ऐसे ही नए नए इंटरेस्टिंग रेसिपी देखना है तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और देखते रहिए मेरे वीडियोस। थैंक यू।